संसार में कल्याण नहीं है कि अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम है चांद डाल के, और काल उनका क्या करे जो भक्त है भगवान के। तो इसलिए बिना भगवान के नाम का इस संसार में कल्याण नहीं है। जैसे ये काल रूपी चाकी चल रही है और इस काल रूपी चाकी के बीच में जो भी आता है वो पिसता हुआ चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है, एक पत्थर की चाकी होती है, उस चाकी में दाना डालते हैं ना, और वो दाना अगर पाटों के बीच में आ जाता है तो दाना पिस जाता है। और चाकी में एक मानी होती है जो लोहे की छोटी सी कील, अगर वो दाना मानी के पास पहुंच जाए तो वो दाना बच जाता है। इसी प्रकार से ये संसार की काल रूपी चाकी चल रही है, जो इस संसार की काली चाकी के पाटों के बीच में आ गया वो पिस गया, और मानी कौन है? परमपिता परमात्मा, जो परमात्मा के सारे हैं, परमात्मा के नजदीक हैं, उसका इस संसार में कुछ नहीं होगा, बाल बाका नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे भक्तों, इस संसार में आकर के मेरा तेरा, तू मेरा ये मेरा वो मेरा, भाई मेरी बहन मेरा, ये सब मुंह देखे का प्यार है। संसार में कल्याण उसी का होना है जो परमात्मा के सहारे है। भागवत को न सुनो, आप लोग जो समय देते हो भागवत को न सुनो पर भागवत की सुनो, भागवत को मत सुनो पर भागवत की सुनो कि भागवत क्या कह रही है। कि अगर रामचरितमानस सुनते हो, अपने भाइयों के लिए कहना चाहूंगी, वैसे ज्यादा मेरा मन तो नहीं था लेकिन जीजा जी ने थोड़ा ज्यादा कहा कि राम, अगर रामचरितमानस सुनते हो, अगर रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर इतिहास तुम्हें बदलना होगा। अपनी माताओं के लिए कहना है, अगर रामचरितमानस सुनती हो, अगर रामचरितमानस सुनती हो तो सिया तुम्हें बनना होगा, चलो सिया के पग चिन्हों पर इतिहास तुम्हें बदलना होगा। तो प्यारे भक्तों, इस संसार में सब ये मतलब का, ये मोह माया सब झूठा है, सच्चा है तो परमात्मा का नाम। अगर इस भवसागर से आपको पार कर सकता है तो परमपिता परमात्मा का नाम। और कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? आते हैं लेकिन आप बुलाते नहीं। भगवान आज भी इस कलयुग में आते हैं तो कहना है क्या, सभी भक्त बोलेंगे, अक्षोतम केशवम कृष्णे दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम। इतनी जोर से बजाओ ताल।
अशोकम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम श्री राधे कथा सुनो घर के कार्यों को विराम दो भागवत में भी कहती और मेरा काम है भागवत करना लोगों को उपदेश देना सत्य के मार्ग पर ले जाना ये मेरा काम है। अब आप लोग कह रहे होंगे ये आपका काम है लेकिन आप अपना काम हमसे क्यों करवा रहे हो क्योंकि जब मैं भगवान के यहाँ जाऊंगी भगवान कृष्ण करेगा जा भी बैठ जाती हूँ मेरा नाम लेती हूँ लेकिन आपने कभी मेरे भक्तों को बताया है कि मेरा नाम लो तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए जवाब हमें भी देना है और जवाब तुम्हें भी देना है। अगर प्यारे सत्य का मार्ग पकड़ना है तो परमात्मा का नाम लीजिए क्योंकि इस संसार में मनुष्य अपराध बहुत होते हैं। अपराध तो मनुष्य से बहुत होते हैं। अपराधों की तो गिनती नहीं अपराधों का खजाना है ये मनुष्य। लेकिन जब